सात महीने से टॉर्चर हो रहा है। तो मेरे को वो मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं। सात महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कोलकाता विच हुई हैवानियत दे बारे अजे कुछ पता नहीं लगा कि किस वालों कीती गई, जिसनू लेके डॉक्टरा विच संघर्ष वध रहा है। उन्हां दा गुस्सा सत्तवें आसमान ते है। उन्हां वालों हर रोज इंसाफ दी मांग कीती जांदी है। इस दे चलदे ही हरियाणे दे एक मेडिकल स्टूडेंट दी वीडियो वायरल हुंदी है, जिस विच एक स्टूडेंट दसदी है कि जो पीड़ित है उसनू अगवा कीता गया ते बुरी तरह उसकी कुटमार कीती गई, जिसका इल्जाम उसने एक डॉक्टर ते लगाया। यह मामला रोहतक पीजीआई तो सामने आया, जिथे कि एक मेडिकल स्टूडेंट सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर उपर तंग परेशान कुटमार करन दे इल्जाम लगाए गए, जिस मगरों पुलिस विच रिपोर्ट कीती गई ते पुलिस वालों डॉक्टर नु गिरफ्तार कर लिया गया। 16 अगस्त नु मुलजम ने लड़की नु अगवा कीता ते उसनु अंबाला ते चंडीगढ़ लेके गया, जिथे कि उसकी कुटमार कीती गई। पीड़िता दा कहना है कि यह करीब 7 महीने तो चलदा आ रहा है। जेकर मैं उन्हां दा विरोध करदी सी तां उन्हां वालों मेरी अटेंडेंस घटा के मैनु फेल करन दी धमकी दित्ती जांदी सी। रिपोर्ट दर्ज कराउण तों बाद पुलिस वालों कार्रवाई करके मुलजम नु हिरासत विच लै लिया गया ते हॉस्पिटल वालिया वालों भी मुलजम नु बर्खास्त कर दिता गया। रो मत। मैं BDS फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ PGI रोहतक में। मेरे साथ 7 महीने से टॉर्चर हो रहा है फैकल्टी से, जिनका नाम है डॉक्टर मनिंदर कौशिक, एनाटॉमी फर्स्ट ईयर PG MD कर रहे हैं वो। यहाँ से सात महीने से वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जब जब उन्हें बोलती हूँ कि मेरे को उनके साथ नहीं रहना है तो मेरे को वो मारते हैं, मेरे को टॉर्चर करते हैं, मेरा सामान ले लेते हैं, कहते हैं तेरी अटेंडेंस शॉर्ट कर दूंगा, तेरे को पेपर में नहीं बैठने दूंगा, इंटरनल शॉर्ट कर दूंगा। पीजीआई की छात्रा ने पुलिस को शिकायत दी थी कि भाई उसी का कोई सीनियर साथी डॉक्टर उसको जो है परेशान कर रहा था, और शिकायत के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज करते हुए जाँच पड़ताल की। तो जाँच पड़ताल के बाद हमने डॉक्टर पर आरोप थे, उस डॉक्टर को हमने गिरफ्तार कर लिया। बड़े दुख के साथ आना पड़ा इसी मेडिकल कॉलेज की एक कन्या, उसके साथ उसी के एक टीचर ने कुछ बदतमीजी की। तो जैसे ही हमारे संज्ञान में बात आई तो डिपार्टमेंट ने भी एक्शन लिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, उसको निकाल दिया। उसका जो PG कोर्स कर रहा था वो भी खत्म कर दिया और उसको निकाल दिया। और जो हमारी एक नेशनल मेडिकल काउंसिल होती है उसको भी हमने इन्फॉर्म कर दिया। और दूसरी ओर पुलिस ने भी उसको अरेस्ट करके उस पर जो भी धाराएं थी वो लगा कर उसको, मुझे अभी पता लगा है कि पुलिस को 2 दिन का रिमांड भी मिल गया है। तो हरियाणा सरकार पूरी वचनबद्ध है। सिक्योरिटी लैप्स तो इसमें मैं नहीं मान सकता, क्योंकि जैसे ही उनको पता लगा, पता लगने के बाद बिना कोई समय को खोए हुए और एक्शन जो है वो पूरी तरह से ले भी लिया। और अब तो उन्होंने एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी भी होती है, उसको भी मेरी जानकारी में केस रेफर कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक एक्शन का सवाल है, सिक्योरिटी का सवाल है, तो कोई लैप्स अगर आएगा तो जो लैप्स का जिम्मेवार होगा उसके खिलाफ सजा